होप आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों का मेरे वीडियो में स्वागत है तहे दिल से। चलो शुरू करती हूँ मजेदार सी रेसिपी। हेलो मेरी प्यारी फैमिली, कैसे हो आप लोग? जय माता दी। आप लोगों को आज कुछ नई रेसिपी बताएंगे जो कन्याओं के लिए भोग के लिए मैं बना रही हूँ। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज का वीडियो बहुत बहुत पसंद आएगा, क्योंकि कन्याओं के भोग के लिए मैं प्रसाद बना रही हूँ। मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी अपना वीडियो शेयर करती हूँ। आप लोग बहुत ढेर सारा मुझे प्यार सपोर्ट करना प्लीज। तो वीडियो को ध्यान से देखिए। ये मेरे चावल हैं, कुछ नए तरीके से बताने वाली हूँ खीर जो बनाएंगे फ्रेंड्स। तो ये चावल हैं, इसमें हम घी ऐड करेंगे और ये चावलों को अच्छे से बढ़िया कलहार लेंगे, जैसे बढ़िया मिक्स करेंगे अच्छे से घी में बहुत अच्छे से। आप लोग मेरे तरीके से करोगे ना तो आप लोगों को जो मैं रेसिपी बनाने वाली हूँ इतनी टेस्टी लगेगी और हेल्दी भी होगी उसके साथ, और बहुत पसंद आएगी फ्रेंड्स। देखिए वो चावल मेरे अच्छे से पक के रेडी हैं फ्रेंड्स। अब क्या करेंगे, अगली तैयारी देखिए आप लोग। अब इसमें हम फिर से वही फ्राई पैन रखेंगे। फ्राई पैन में बढ़िया थोड़ा सा घी ऐड करेंगे। इसमें कुछ जो है ड्राई फ्रूट्स है ना, तो ये इसमें बढ़िया अच्छे से बढ़िया कलहार लेंगे, इसे भी भून लेंगे, फ्राई करेंगे, जो भी आप लोग कहिए भूनना या फ्राई करना। अब इसे बहुत अच्छे से फ्राई कर लिए हैं देखिए फ्रेंड्स। अब देखिए ये मेरी जो सामग्री पड़ेगी ना, वो देखिए काजू है, बादाम है और चावल है, यही ऐड करेंगे आप लोग। मुनक्के और जो है नारियल कुछ भी ऐड कर सकते हो जो आपको पसंद हो। एक पतीले में मैंने एक फ्राई दान है मेरा ना अल्मोनियम का, उसमें मैंने ऐड किया है खाली जो है दूध। दूध अच्छे से बॉयल हो गया है, बॉयल हो गया है। अब इसमें ऐड करेंगे फ्रेंड्स वही काजू, जिसे अच्छे से पक जाए। देखिए ये देखिए फ्रेंड्स, काजू बादाम यही मैंने अच्छे से इनको रफली चॉप कर लिया है। अब इसी में ऐड कर देंगे फ्रेंड्स, इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा और हेल्दी तो होते ही हैं, आपको पता ही, आप लोग भी खाते हैं काजू बादाम। तो आप लोग मेरे तरीके से बनाइएगा। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे, खाली हम दूध में बनाएंगे फ्रेंड्स बहुत अच्छे से। अब इसे हम बहुत अच्छे से फ्राई करेंगे, इसी में बढ़िया मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छे से। देखिए अच्छे से पक रहा है फ्रेंड्स। अब इसे थोड़ा सा टाइम देंगे पकाने में। अब क्या करेंगे देखिए फ्रेंड्स, मैंने चावल ऐड कर दिया है और चीनी अपने मन मुताबिक स्वाद के अनुसार मैंने ऐड कर दिया है। खीर बनके मेरी रेडी है फ्रेंड्स। अब अगली तैयारी करती हूँ। आटे को मैंने पहले गूंथ के रख दिया था आटा लगा के। अब अच्छे से आटा सेट हो गया है। अब हम गोल गोल बढ़िया आटे की लोई बनाएंगे, गोल गोल एकदम ऐसे बढ़िया अच्छे से प्रेस करते हुए। अब इसे प्रेस कर देंगे। देखिए एक पेड़ा बनके रेडी है फ्रेंड्स। खाना है तो आ जाइए फ्रेंड्स, लेकिन नहीं नहीं ये पेड़ा नहीं है, इसकी हम रोटी बनाएंगे। रोटी भी नहीं फ्रेंड्स, पूड़ी बनाएंगे। तो देखिए वीडियो को ध्यान से आप लोग, एक रेसिपी नहीं दो दो रेसिपी बताने वाली हूँ वीडियो में। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। फिर से याद दिला दूं, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी मत कीजिए, क्योंकि कन्याओं के लिए भाई भोग है। तो आप लोग भी इसमें अपना बढ़िया साथ दीजिए मेरा। आप लोगों का प्यार सपोर्ट मुझे ढेर सारा चाहिए फ्रेंड्स, तो ज़रूर करिएगा। देखिए अब हम एक कढ़ाई रखे हैं, कढ़ाई में बढ़िया तेल डाले हैं। तेल अच्छे से गर्म हो गया है, हीट हो गया है। इसी में तल लेंगे अपनी प्यारी सी पूड़ी। देखिए फ्रेंड्स अब हम पूड़ी को थोड़ा सा टाइम देंगे ऐसे। देखिए फ्रेंड्स एक तरफ होके रेडी है ना फ्रेंड्स, गुब्बारे जैसी एकदम फूल गई है। अगर आपकी पूड़ी नहीं फूलती है तो मेरे ट्रिक्स और टिप्स के जैसे बनाइए, आपकी भी पूड़ी बहुत अच्छे से गोल गोल फूलेगी एकदम गुब्बारे जैसी फ्रेंड्स। देखिए कहीं भी ऐसा नहीं कि मेरी पूड़ी फूल नहीं रही,
किसी किसी की पूरी फूलती नहीं है, सिकुड़ जाती है। अगर ये सारी कमी आपकी पूरी में है तो मेरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, गोल गोल पूरी बन के रेडी है, बढ़िया गुब्बारे जैसी एकदम व्हाइट व्हाइट है ना फ्रेंड्स। देखने में जितनी बढ़िया अच्छी लग रही उतनी खाने में भी मस्त मजेदार सी है एकदम। जिसके दांत भी नहीं हो भी बहुत आसान तरीके से खा लेगा। इसमें एक मैंने ट्रिक्स और टिप्स थी मेरी छोटी सी, आप लोगों को वीडियो में नहीं दिखाए हैं। अगर आप लोगों को चाहिए तो मेरे चैनल पे जाके दूसरा वीडियो मैंने अपलोड किया है, देख लेना। बहुत मस्त एक छोटी सी ट्रिक्स और टिप्स बताई हूँ। देखिए फ्रेंड्स, बन के पूरी रेडी है खीर और पूरी। अगर आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज आप लोग मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और हमेशा की तरह सिर्फ तीन चीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।